यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट वन का कम टाइम में आप तैयारी कैसे करेंगे, कौन सी टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सब कुछ आपको हम डिटेल में गाइड करेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। पहले हम लोग वीवीआई टॉपिक्स की बात करेंगे, साथ में आपको हम गाइड करते चलेंगे कि आप कम टाइम में तैयारी कैसे करेंगे, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबको ओवरऑल करके भी आपको समराइज करके चीजें आपको हम बताएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना, शुरू से अंत तक आपको वीडियो देखना है। देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट वन, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट वन मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ ऑनर्स की बात करेंगे और मैथ सब्सिडरी की बात करेंगे। ओके, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स है तो आपके लिए नहीं है, या फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडरी है तो यहां पे आपको नहीं बताएंगे, केवल मैथ ऑनर्स पेपर वन और पेपर टू का बताएंगे। अगर आपका मैथ सब्सिडरी है तो भी आप देख सकते हैं इस लेक्चर को, राइट। देखिए, सबसे पहले आपको हम बात करें तो आपको बीएससी पार्ट वन में दो पेपर पढ़ना होता है मैथ ऑनर्स, जिसमें हम लोग को पेपर वन होता है, पेपर वन होता है। तो पेपर वन में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग पेपर वन को देखते हैं कि पेपर वन में आप किस प्रकार से पढ़ेंगे, किस प्रकार से आपको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले इसको ग्रुप ए में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए में, और ग्रुप ए में आपको सेट थ्योरी पढ़ना है, ग्रुप ए में आपको सेट थ्योरी पढ़ना, ग्रुप ए में आपको सेट थ्योरी पढ़ना है। अब देखिए, सेट थ्योरी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, तो क्या इसको पूरा सेट थ्योरी पढ़ना पड़ेगा? नहीं। अगर आपका एग्जाम का कुछ भी तैयारी नहीं है या आप अच्छे मार्क्स लाना चाह रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो पूरा सब्जेक्ट की पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो टॉपिक्स आपको हम ये बताने जा रहे हैं वही वही टॉपिक्स आपको कवर करना है, चीजें आपको अच्छे मार्क्स आ जाएगा, आराम से पेपर आप निकाल लेंगे। देखिए, सेट थ्योरी की बात करेंगे ना, तो सेट थ्योरी में सबसे पहले आप यहां पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पढ़िए, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। यहां से ना इसका आपका डिफिनेशन और विथ एग्जांपल आपसे पूछेगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का इसका आपको डिफिनेशन और विथ एग्जांपल के साथ में आपको पूछेगा, तो आपको पढ़ना होगा, वहां पे जवाब देना होगा एग्जाम में। दूसरा आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़िए, इक्विवेलेंस रिलेशन आपको कभी कभी टाइप ऑफ रिलेशन भी पूछ लेता है, लेकिन उसका पूछने के चांसेस बहुत कम होता है, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि ये भी पढ़ लीजिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन भी पढ़िए आप, राइट, टाइप ऑफ रिलेशन पढ़िए। उसके बाद आप कार्डिनल नंबर पढ़िए, कार्डिनल नंबर से भी आपका क्वेश्चन आता है, कार्डिनल नंबर, ओके, कार्डिनल नंबर के बाद आप काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। तो ओवरऑल टोटल जो वीवीआई टॉपिक्स है आपका सेट थ्योरी में, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ओवरऑल टॉपिक्स की बात करेंगे तो यहां पे टोटल इतने टॉपिक्स है, 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक्स है। अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं है, 0/0 है, अगर आप टेंशन में जी रहे कि मेरा पेपर कैसे निकलेगा, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, एकदम गिना चुना सब टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़िए, ये टाइप ऑफ रिलेशन को छोड़ दीजिए, अब ये दोनों में से कोई एक कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, आपको टेंशन। लेकिन हम बोलेंगे कम आप ये कार्डिनल नंबर पढ़िए, यहां से क्वेश्चन आता है, चाहे आप चाहे तो इसको स्क्रिप कर सकते हैं, इसको कि ये दोनों में से किसी एक को स्क्रिप कर सकते हैं, बाकी ये तीनों आप तीन को टॉपिक्स आप जरूर करके जाएंगे। ये तीनों टॉपिक्स का लेक्चर आपको कैसे मिलेगा, तो सभी टॉपिक का लेक्चर्स आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल है, बसरते आपको 159 का मेंबरशिप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके जितने भी टॉपिक्स बताए सभी टॉपिक्स का लेक्चर्स आपको मिलेगा। अब बात करते सर, ये तो ग्रुप ए की बात हो गया, अब ग्रुप बी की बात कीजिए सर, ग्रुप बी की बात करिए सर, तो ग्रुप बी में आपको मैट्रिक्स पढ़ना है, ग्रुप बी में आपको मैट्रिक्स पढ़ना है, और मैट्रिसेज में आपको पूरा मैट्रिक्स नहीं पढ़ना है, तो यहां पे सबसे पहला जो पढ़ना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद आपको
रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बाद सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन सॉल्व करने आपको आना चाहिए, सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन इसको सॉल्व, जिसको सिमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन आपको सिलेबस में लिखा होगा इसी को बोलते हैं, राइट। तो ये आपको ये तीन टॉपिक्स में से एक भी टॉपिक आपको स्क्रिप्ट यहां पे नहीं करना, एक भी टॉपिक आपको यहां पे स्क्रिप्ट नहीं करना है, सभी टॉपिक्स आपको कवर करना है। एक और टॉपिक्स जो है आपका यहां पे एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स तो आपको ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा जब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो, क्योंकि इसमें यूज होता है, इसमें यूज होता है तो ऐसे आप नहीं कर पाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक इसको टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिक पर, लेकिन इसमें इसमें भी फोकस कीजिएगा कि यहां से भी डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से भी डायरेक्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप स्क्रिप्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं ग्रुप बी, अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप बी की बात करते हैं, तो सॉरी ग्रुप सी की बात करते हैं, तो ग्रुप सी में आपको हायर अलजेब्रा पढ़ना है, हायर अलजेब्रा पढ़ना है। हायर अलजेब्रा में ना मेरा जितना भी लेक्चर्स है ऑल लेक्चर्स आप देख लीजिए, ज्यादा लेक्चर्स नहीं है, ऑल लेक्चर्स देख लीजिए, इसको हम जब सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए हम प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे आपको चीजें और इसमें ऐड होगा, लेक्चर दो चार लेक्चर और ऐड होगा, तो इसमें जितने भी लेक्चर्स है हायर अलजेब्रा का सभी आप देखिए, एंजॉय कीजिएगा, उसी में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, राइट, एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो सभी लेक्चर्स यहां पे ऑल लेक्चर्स आपको देखना है, क्या देखना है, ऑल लेक्चर्स, मेरा जितने भी लेक्चर्स है सभी लेक्चर्स आपको देखना है हायर अलजेब्रा का। अब बात करते हैं ग्रुप डी, तो ग्रुप डी में ना आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, ग्रुप डी में थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, ग्रुप बी में थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, तो सभी को पढ़ना, सभी टॉपिक्स को पढ़ना आपके लिए नेसेसरी नहीं है, तो उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, राइट, उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो सबसे पहले इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो यहां पे इसमें जो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, फंडामेंटल, फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जाता है, पूछता है। अभी ये केवल टॉपिक्स से आपको ये नहीं जाना है कि टॉपिक्स कहीं अलग सर्च करके पढ़ लेंगे, टॉपिक्स तो आपको अलग सर्च करके पढ़ लेंगे, लेकिन जिस हिसाब से आपके यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ पाएंगे ना तो आपके लिए इशू हो सकता है, क्यों, क्योंकि आपका पूर्णिया यूनिवर्सिटी थोड़ा तेज हो गया, थोड़ा स्मार्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ना आपको ना कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, तो आप क्वेश्चन को ना कंसेप्ट क्लियर करेंगे, रिपीट मतलब रिपीट होता है क्वेश्चन, लेकिन आपको 60% क्वेश्चन में रिपीट नहीं होता, जिसमें डिजिट, जैसे आपको बात कर दें रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो यहां पर सेम डिजिट वाली नहीं पूछेगा, डिजिट चेंज रहेगा, आपको रैंक निकालना पड़ेगा, कंसेप्ट रहेगा तो ही निकाल पाएंगे, जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो उसको नहीं, हाँ जो फंडामेंटल थ्योरम है आपका सेम पूछेगा, इसमें अगर नोमेरिकल आएगा तो आपको सेम नहीं पूछेगा, तो कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, राइट। चलिए अब हम अगला बात करते हैं, इसमें अगला बात करते हैं इसमें इक्वेशन, चलिए इतना नोट डाउन कीजिए फिर आगे हम लोग बात करते हैं, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, हम लोग को थ्योरी ऑफ इक्वेशन में और देखना था, तो हम सब थ्योरी ऑफ इक्वेशन पहले देख लेते हैं सभी टॉपिक्स, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसमें आपको डिस्कार्ट डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन पढ़ना है, यहां से डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन, इसका न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, इसका थ्योरम भी आपसे पूछा जाता है, तो इसका थ्योरम भी आप करेंगे, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आपको इक्वेशन विथ रियल कोफिशियंट कोफिशियंट इमेजिनरी रूट्स इमेजिनरी रूट्स ऑकर इन कंजुगेट
कंजुगेट पेयर। अब देखिए ये टॉपिक्स आपका ऐसा, ये थ्योरम है, इसको चाहे तो आप रट सकते हैं। ये एक ऐसा थ्योरम है जो इसको आपको रिपीटेशन बेसिस पे पूछा जाता है, तो इस टाइप के थ्योरम को आप देख सकते हैं। तो इतना टोटल तीन टॉपिक्स आपको यहां पे हम बताएं थ्योरम इक्वेशन से। सबसे पहला जो टॉपिक्स बताएं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बताए, दूसरा आपको डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन बताया जिसमें आपको बोले थ्योरम कीजिएगा और इसका न्यूमेरिकल कीजिएगा, तीसरा जो आपको बताया इक्वेशन विथ रियल कोफिशियंट इमेजिनरी रूट्स ऑकर्स इन अ कंजुगेट पेयर, ये तीन टॉपिक्स को आपको अच्छे से अच्छे फॉर्म में आपको रेडी करना होगा। आपको फिर से अगेन आपको हम बता देते हैं, जितने भी टॉपिक्स पेपर वन का बताए हैं या पेपर टू का जो आपको हम बताने जा रहे हैं, सभी टॉपिक्स का लेक्चर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपको स्मार्ट कॉम्बो 159 का ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको मिलता है हमारे यहाँ क्रैश कोर्स मिलेगा, डिटेल कोर्स मिलेगा और सिलेक्टेड क्वेश्चन भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। इस बार कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो हमें स्क्रीनशॉट लेके आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको ये है, नोट डाउन कर लीजिएगा, 7979707765 है, राइट। तो इस पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, तो आपको हम टेलीग्राम प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में आपको हम ऐड करेंगे, तो वहां पे सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स, डिटेल कोर्स का लेक्चर्स रहेगा, क्लास नोट्स रहेगा, साथ में सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा, उसका सॉल्यूशन का भी पीडीएफ रहेगा और उसका वीडियो कुछ सॉल्यूशन आपको वीडियो की फॉर्म में भी मिलेगा, तो उसका भी वीडियो सॉल्यूशन रहेगा और टोटल A to Z आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन का भी आपका सॉल्यूशन और पीडीएफ सॉल्यूशन वहां पे अवेलेबल रहेगा। तो मिला जुला के अगर आपको ओवरऑल बात करें हम, तो मेरा लेक्चर्स आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे कम्युनिटी के बगल में आपको मिल जाएगा, प्राइवेट चैनल में भी हमारा देख सकते हैं, लेकिन आपको जो मिलेगा मेरा क्लास नोट्स या सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा वो प्राइवेट चैनल पे ही मिलेगा, इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट भेजना जरूरी है, नेसेसरी है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं पेपर टू की बात करते हैं, आई होप ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम पेपर टू की बात करते हैं, तो पेपर टू में क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए पेपर टू में जो आपको पढ़ना है, पेपर टू की हम बात कर रहे हैं यहां पे, पेपर टू में ग्रुप ए में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, ग्रुप ए में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, राइट। अब डिफरेंशियल कैलकुलस से क्या आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, नहीं, पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो सभी जो टॉपिक मुझे नहीं पढ़ना है, पूरा सब्जेक्ट मुझे नहीं पढ़ना है, एकदम सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना जहां से क्वेश्चन आता है। मेरा हर साल का एक्सपीरियंस है, आपको जो टॉपिक्स देते हैं उसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, जो आपको हम सिलेक्टेड क्वेश्चन देते हैं उसी बेस पे क्वेश्चन आता है या सेम क्वेश्चन आता है, राइट। तो आप इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसमें सबसे पहले आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपको लेवनीज थ्योरम, आपको लेवनीज थ्योरम आपको पढ़ना है। अब देखिए लेवनीज थ्योरम का आपको न्यूमेरिकल और इसका थ्योरम दोनों पूछा जाता है, तो आप कीजिएगा, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। उसी प्रकार से पार्शियल डिफरेंशिएशन में यूलर्स थ्योरम आपका पूछा जाता है, साथ ही में आपको इसका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। देखिए ए में रहेगा यूलर्स थ्योरम, बी में उसका न्यूमेरिकल रहेगा, या ए में आपका लेबनीज थ्योरम रहेगा, बी में यूलर्स थ्योरम का न्यूमेरिकल रहेगा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज करके पूछता है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से रेडी करेंगे, ओके। अगला जो इसमें टॉपिक्स पढ़ना आपको ज्यादा जो क्वेश्चन देखा गया है, पेडल इक्वेशन, ये आपको एग्जाम में पेडल इक्वेशन से पूछा जाता है, राइट। पेडल इक्वेशन ऑफ कर्व, पेडल इक्वेशन ऑफ कर्व या सब टेंजेंट वाले जो फॉर्म देख रहे हैं, जो पोलर कोऑर्डिनेट वाली फॉर्म है, वो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सब कुछ आपको हम एवरीथिंग आपको हम सॉल्व कराए हैं, तो उसके लिए बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा आपको, बशर्ते आप पढ़ने को तैयार हो तो आपको अच्छा मार्क्स आएगा, ये मेरा गारंटी है, बशर्ते मेरे गाइडलाइन में आपको तैयारी करना होगा। कोई भी डाउट होता है आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल करके आप हमें पूछ सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए टॉपिक्स पढ़ना है आपको सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, राइट। सब टेंजेंट और सब नॉर्मल इन पोलर फॉर्म वाला देख लीजिएगा, पोलर फॉर्म यानी पोलर कोऑर्डिनेट, राइट।
आपको कभी कभी कार्टेशियन भी पूछा जाए कि ज्यादा मैक्सिमम आपको पोलर फॉर्म ही है, तो आप एक बार कोई भी फॉर्म आप सीख जाओगे ना तो दोनों फॉर्म को आप ड्राइव कर सकते हो। ये थ्योरम है तो इसे आप रट सकते हैं, इसको आप रट सकते हैं, तो आपके लिए जरूरी है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप बी की बात करते हैं। तो सर ग्रुप बी में क्या पढ़ना है, तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, राइट। इंटीग्रल कैलकुलस में इसमें दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट इसमें लिमिट ऑफ सम, आपको छोटा मोटा न्यूमेरिकल रहेगा उसको लिमिट ऑफ सम मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए बोलेगा, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है, रिडक्शन फॉर्मूला का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसको आपको तैयार करना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अगला जो आपको है इसमें कर्व ट्रेसिंग, कर्व ट्रेसिंग, देखिए कर्व ट्रेसिंग में ना हम आपसे एरिया की बात किए हैं, वॉल्यूम की बात किए हैं और लेंथ की बात किए हैं। ये वाली कर्व ट्रेसिंग ना बिल्कुल आपको हम सिलेक्टेड फॉर्म में एकदम गिना चुना फॉर्म में आपको हम पढ़ाए हैं, तो ये दो टॉपिक्स को ना बिल्कुल अच्छे से रेडी करना है। आप आराम से एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे, एक ग्रुप से आपको एक दो क्वेश्चन के ही जवाब देना है, लेकिन हम बोलेंगे कम से कम भी तीन टॉपिक्स को आपको रेडी करो, अदरवाइज ट्वेल्थ में अगर अच्छा पढ़े हैं तो इससे ऊपर जो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है छोटा मोटा न्यूमेरिकल जो ट्वेल्थ लेवल का है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं अगर होगा, नहीं तो अदरवाइज ये तीन टॉपिक्स को एकदम एडवांस में रेडी कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपका आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक काम करो, आप ये दो रिडक्शन फॉर्मूला और कर्व ट्रेसिंग ये दो रेडी करो, आपका काम हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें बात करेंगे तो आप यहां से दो रेडी करो, लेबनिट्ज़ थ्योरम रेडी करो और यूलर्स थ्योरम रेडी करो, आपका काम हो जाएगा, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो जो भी टॉपिक्स बता रहे हैं सभी टॉपिक्स को आपको रेडी करना पड़ेगा। हम बोलते हैं अगर आपके पास टाइम है अभी तो आराम से आप तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल बिंदास तरीके से, तो आप कीजिए, राइट। ओके चलिए अब इसमें बात करते हैं, ये तो आपका हो गया ग्रुप बी, अब चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे ग्रुप सी की बात करेंगे, अब यहां हम लोग ग्रुप सी की बात करेंगे जिसमें आपको 2D ज्योमेट्री पढ़ना है, 2D ज्योमेट्री पढ़ना है, और 2D ज्योमेट्री को पूरा नहीं पढ़ना है, सबसे पहला ऑर्थोगोनल सर्कल, राइट। ऑर्थोगोनल के सर्कल के बाद आप रेडिकल एक्सिस पढ़ेंगे, रेडिकल एक्सिस, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है, पूछा जाता है। उसके बाद आपको स्टैंडर फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ क्या, पैराबोला कॉमा हाइपरबोला एलिप्स, राइट। अब देखिए हाइपरबोला और पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म पूछने के साथ साथ आपके एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, आपसे क्या पूछता है, तो आपसे यहां पे पूछ लेता है इसका कंडीशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल पूछता है, टेंजेंट और नॉर्मल वाली फॉर्म पूछता है। ये कैसा क्वेश्चन होता है सर, थोड़ा गाइड कर दीजिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर्म कंडीशन। अब ये क्वेश्चन कैसा होता है, तो देखिए क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, मान लीजिए बोलेगा आपके पास एक इलिप्स है उस पर एक लाइन परपेंडिकुलर है, उस केस में उसका इक्वेशन क्या होगा, या एक लाइन टच करके पास किया हुआ यानी टेंजेंट है तो उस केस में उसका कंडीशन क्या होगा, ये इस प्रकार से आपको, या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसी में एड कर देते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। इस फॉर्म का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं फाइनली ग्रुप डी की बात करते हैं पेपर टू में, तो ग्रुप डी में आपको 3D ज्योमेट्री पढ़ना है, और इसमें फिर अगेन आपको हम गाइड कर दें कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है अच्छे मार्क्स लाने के लिए और पास करने के लिए।
जितना आपको हम बताएंगे उतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है, राइट। तो आपको ग्रुप डी में 3D ज्योमेट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 3D ज्योमेट्री पढ़ना है। और 3D ज्योमेट्री में आपको, 3D ज्योमेट्री में आपको जो पढ़ना है, सबसे पहला मोस्ट वांटेड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पढ़ना है, राइट। उसके बाद आपको जो मेन जो और जो पॉपुलर टॉपिक्स है, कोप्लेनर आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोप्लेनर पढ़ना है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको पूछा जाएगा, राइट। उसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको पढ़ना होता है, राइट। इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको पढ़ना होता है। तो इतना आपका जो फॉर्म है वो आपको अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक और हम ब्रैकेट में ले देते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन में आपको इंटरसेक्ट कॉमा नॉर्मल फॉर्म, ये आपका स्टैंडर्ड आपका, इसमें डेरिवेशन है, थ्योरम है, आपको सेम पूछा जाता है, इसे आप रट सकते हैं। बट इसमें एक और है, इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, कंडीशन रहेगा परपेंडिकुलर, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन आप ट्राई कर लेंगे। अगर और इसमें ज्यादा पढ़ना है तो क्वेश्चन आप स्पेयर पढ़िए, बेसिक साफ्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं, कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत सारा सब्जेक्ट कवर करना है। अब यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं, जो 0/0 है, जिसको पास मार्क के साथ आ रहा है, तो उसको वो कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 2D ज्योमेट्री। देखिए, अगर आपको चिंता सता रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को कवर कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, नॉर्मल फॉर्म, टेंजेंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर्म आप कर लीजिए, बाकी ऊपर का छोड़ दीजिए, आपका काम हो जाएगा, राइट। उसके बाद बात करते हैं 2D ज्योमेट्री में, तो आप ज्यादा टेंशन में है तो ये दो टॉपिक्स कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप ध्यान रहे सभी को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है और थ्योरम भी पूछा जाता है। कोप्लेनर का आपके एग्जाम में थ्योरम भी पूछा जाता है और इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो दोनों आपको आना चाहिए। और इक्वेशन ऑफ द प्लेन, आपकी इक्वेशन ऑफ द प्लेन जिसमें आपको इंटरसेक्ट फॉर्म आएगा, नॉर्मल फॉर्म आएगा और परपेंडिकुलर वाला भी कंडीशन रहेगा, तो आप कर सकते हैं। अगर ओवरऑल बात करेंगे, अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो सभी टॉपिक्स कवर कीजिए, आपके पास टाइम नहीं है, इधर उधर बौखने की जरूरत नहीं है, आराम से 159 का मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। इसके साथ ही कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, क्रैश कोर्स का, साथ में डिटेल कोर्स का, साथ में आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल बिंदास तरीके से मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और आप अपना तैयारी को कंटिन्यू कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए, क्योंकि हर बार हमारे चैनल के थ्रू आपका सीनियर साहब पता कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आए हैं और पार्ट टू वाले भी स्टूडेंट है जो अच्छा मार्क्स लेके आया है, मेरे साथ पार्ट थर्ड का तैयारी ऑलरेडी पेड कोर्स में कर रहा है। तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, नॉर्मल सा फी है 159, जिसका वैलिडिटी आपका 1 month की होता है। 1 month में जब मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, आज ज्वाइन करेंगे तो आज से ही लेक्चर देख पाएंगे, टोटल लेक्चर्स आपको 1 time मिल जाएगा, आपको अलग अलग नहीं मिलेगा। तो आप उसको टारगेट में रख लेके 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आप कितने दिन में कवर कर सकते हैं। तो यही कुछ बातें था जो आपके साथ शेयर करना था। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर्स आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए और अच्छा लगा तो फिर अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स, लव यू ऑल।